बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदीब मुमताज और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें, आपको बताएं कि कराची में जराइम की वारदातें थम न सकी, अजमी नगरी पुलिस शहरियों को तहफ़ देने में नाकाम है। दो रोज में ख्वाजा अजमी नगरी में बड़ी वारदातें रिपोर्ट हुई। ख्वाजा अजमी नगरी सेक्टर 5B3 में एक और बड़ी वारदात, दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार मुजवान ने बीफाई के सबसे बड़े मुर्गी सप्लायर समेत शहरियों से असले के जोर पर मोबाइल फोन लाखों रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। SHO ख्वाजा अजमी नगरी नवाज गोंदर वारदातों से लाइन निकले, अपने कमरे में गहरी नींद सोते रहे। इतलाक के बावजूद वारदात के एक घंटे बाद पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची तो सैकड़ों की तादाद में इलाका मकीन पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर SHO ख्वाजा अजमी नगरी ने मुजाहिरों को जल डकैती में मुलविस मुजमान को गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान वापस करवाने की यकीन दहानी करवाई। शहर की शिकायत पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गंबट के करीब गोट गोलू वाहन का रिहायशी 15 साला लड़का अब्दुल वहीद वल्द मोहम्मद रमजान नारेजो, जो नवी जमात का शागिर्द था, अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहा था कि अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली उसके ऊपर चढ़ गई, जिसके नतीजे में साइकिल सवार मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जबकि पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुँच कर लाश को अपनी तहवील में ले लिया और गम्स अस्पताल ले जाया गया, जहाँ ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी तहवील में ले लिया और ड्राइवर जमालुद्दीन नारेजो को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि अक़वामे मुत्तहिदा ने चीन को इसकी जदीद समुद्री प्लास्टिक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पर 2023 के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है, जो अक़वामे मुत्तहिदा का सबसे बावकार माहौलियाती एजाज है। चीन का मंसूबा समुद्री प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और साहिली पानियों में आलूदगी को मौसर तरीके से कम करने में मददगार है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। अक़वामे मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम ने चीन के ब्लू सर्कल माहौलियाती इकदाम को उसके जदीद समुद्री प्लास्टिक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पर 2023 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है, जो अक़वामे मुत्तहिदा का सबसे बावकार माहौलियाती एजाज है। रवा साल अवार्ड के 5 वसूल कुनंदगान में, जिनमें एक शहर के मेयर, एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन, एक सोशल एंटरप्राइज, एक सरकारी इकदाम और एक रिसर्च काउंसिल शामिल हैं, को प्लास्टिक आलूदगी से निमटने के लिए उनके जदीद हल और तब्दीली के इकदाम के लिए 2500 नामजदगियों में से मुंतखब किया गया है। चीन का अवार्ड याफ्ता ब्लू सर्कल इनिशिएटिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करता है ताकि प्लास्टिक आलूदगी के पूरे लाइफ साइकिल की जामे निगरानी की जा सके, जिसमें प्लास्टिक जमा करना, बहाली, दोबारा मैन्युफैक्चरिंग और दोबारा फरोख्त वगैरह शामिल हैं। अब तक इस इकदाम ने कामयाबी के साथ 10,700 टन से जायद समुद्री मलबा जमा किया है, जिससे ये चीन का सबसे बड़ा समुद्री प्लास्टिक फजला प्रोग्राम बन गया है। ये चीन के मशरक के सूबा जेचांग से ताल्लुक रखने वाले 6,000 से ज्यादा अफराद और 200 से ज्यादा कारोबारी इदारों के तआवुन का नतीजा है। ये समुद्री प्लास्टिक के रिसाइकलिंग और री मैन्युफैक्चरिंग के अमल का बसारत से पता लगाता है और साहली पानियों में आलूदगी को मुअस्सर तरीके से कम करते हुए हिस्सा लेने वाले माहीगीरों को फायदा पहुंचाता है। चीन की जानिब से चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023 का अवार्ड जीतना इस बात की भी भरपूर अकासी करता है कि चीन हकीकी मानों में इंसानियत और फितरत के दरमियान हम आहंग बकाए बाहमी के तसव्वुर पर अमल पैरा है और माहौल दोस्त रवैयों को उम्दगी से परवान चढ़ा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। चूनिया में मोहतरम चौधरी अहमद दीन की सालाना बरसी मनाई गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भी शिरकत की। बरसी के मौका पर मारूफ नात ख्वां मलिक इरफान चिश्ती ने अपनी आवाज़ में बहुत खूबसूरत समा बांधा। मरहूम चौधरी अहमद दीन के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआए मगफरत की गई। जाम शोरों सिंधी अदब की दो आम शख्सियात मोहम्मद इब्राहिम और शौकत हुसैन ने अपने कलम और ज़हानत से सिंधी अदब की बहुत खिदमत की है। उनकी बरसी के मौके पर चेयरमैन सिंधी अदबी बोर्ड मखदूम सैदुज़्ज़मान आतिफ ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि नामवर आलम अदीब और सिंधी अदबी बोर्ड के साबका चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी को इतना बामकसद बनाया है कि जिसकी मिसाल सिंध के तारीख में मिलना मुश्किल है। मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमतें सर अंजाम दी।
चेयरमैन सिंधी अदबी बोर्ड मखदूम सैद जवान आतिफ के एहकाम पर सेक्रेटरी मैडम ने बोर्ड के अफसरान के साथ मोहम्मद इब्राहिम और शौकत हुसैन के मकबर पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह पढ़ी। रोड रॉबरी की वारदातों के सिलसिले में चैलेंज समझा जाने वाला कलीम उर्फ कलीमी कोबरा डकैत गैंग गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश रोड रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी की 14 से जायद वारदातों का इंकशाफ। लूटी गई नकदी तकरीबन 4 लाख रुपए, 4 अदद मोटरसाइकिलें, 6 मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान ने डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और रोड पर असलहा के जोर पर वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश सदर चूनिया के इलाका में 14 वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान से लूटी गई मदरजा बाला रकम और उनकी कीमती अशिया उनके हवाले की जा रही थी। रानीपुर में पीर की हवेली में काम करने वाली कमसिन बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक हो गई। रानीपुर में पीर की हवेली में कुछ माह पहले मुबैना ज्यादती और सख्त तशद्दुद के बाद मासूम बच्ची फातिमा को कत्ल किया गया था। पंजाब की लिबर्टी से चेक होने वाले DNA रिपोर्ट मरकजी मुजरिम असद शाह से मैच हो गए। खबर शामिल करते हैं डेरा अल्लाह यार से, जहां साबिक सूबाई वजीर रुकन सूबाई असम्बली ने डेरा अल्लाह यार में गवर्नमेंट हाई स्कूल की नई तामीर होने वाली बिल्डिंग का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए तालीमी इदारों का क़याम हमारा मकसद और कौमी फरीजा है। कोशिश है कि इलाके में तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इलाके में गुज़श्ता तबाहकुन बारिशों और सैलाब की वजह से बहुत से तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादू के करीब गांव करमपुर में दिलबर साईं रहमतुल्लाह अलैह ने जलसेआम से खिताब करते हुए कहा है कि तमाम आलम इस्लाम ने फलस्तीनियों से रुख मोड़ लिया है और सिर्फ जबानी कलामी मजम्मत कर रहे हैं। मजीद जानते हैं असगर खान वाला से। मैं भी यहां मौजूद हूं। दादू से कशाद फरमा रहा हाय रहा हाजिल उम्मत बाद नबीया अभी बकिया फरमा यो पाक मौलानी जो तरीके खुदा है मौलानी जो फरमा रहा हजरत है तेरे करार के मने वाला अली पाक के पाक फरमान दला दाहिर मौलानी जे पाक। सर आप क्या कहते हैं फिलिस्तीन के मुसलमानों पर अभी जुल्म हो रहा है तो आलम इस्लाम खामोश है, यहाँ फिलिस्तीनों को पानी और भूख से मर रहे हैं, तो साईं आप क्या पैगाम देंगे मुसलमानों को? आलम इस्लाम के जितने भी उलमा हैं मशायख हैं उन्होंने एक मुत्तफिका फतवा जारी किया है कि मुसलमानों की इस वक्त जो हालत ज़ार है खुसूसन फ़लस्तीन में और गज़ा में जो मुसलमानों पर जुल्म और कहर ढाया जा रहा है, इस वक्त हर मुसलमान पर खुसूसन हुक्मरान जिनके पास फौजी कुव्वत है जिनके पास असला बारूद की कुव्वत है उन पर फ़र्ज़ ऐन बन गया है कि गज़ा के मुसलमानों की मदद करें। सिर्फ ज़िबानी कलामी नहीं OIC पर अरब लीग पर और जमी मुसलमानों पर मुसलमानों के हर तबके पर उलमा हैं या जो साहिब सरवत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने माली तौफीक अता फरमाई है वो गरीबों की गज़ा के मुसलमानों की माली मदद करें, उनके दवा दरमल इलाज के लिए अद्वियात भेजें, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके लिए भरपूर तआवुन किया जाए, ज़िबानी नहीं लेकिन अमली तौर पर खिदमत की जाए। सर आज के जलसे आम के हवाले से उम्मे कराम भी मौजूद है तो आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? ये इज्तिमा एक नुमाइंदा इज्तिमा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिंध से उलमा और मशायख शरीक हैं। ये इज्तिमा और ये सारी जमात अपने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि गज़ा के मुसलमानों की हुकूमती सतह पर मदद की जाए। मैं सारी जमात से पूछता हूं क्या आप इस करारदाद पे मेरे साथ हाथ खड़ा करते हैं? मुसलमानों की मदद करनी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को अमली तौर पर कदम उठाने चाहिए। ये सारा इज्तमा जो सिंध भर का नुमाइंदा इज्तमा है, हुकूमत पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि गज़ा के मुसलमानों की अमली तौर पर मदद की जाए। सारे खड़े होकर ऐलान करें। Thank you, sir.
आपने सुनी दिलबर साईं रहमतुल्लाह अलैह की बातें, उन्होंने जलसे आम में खिताब किया और मुतालबा किया है आलम इस्लाम के सब मुसलमान मुल्कों से कि फलस्तीनों की मदद की जाए। उन्होंने कहा है कि इस हालात में हर मुसलमान पर फर्जात फर्ज है और हम सबको फलस्तीन के मुसलमानों की मदद की जाए, करनी चाहिए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़ सब पे नज़र अंदर की खबर। A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।